हे गाइस, सो फार हमने देखा था इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टेपिंग स्टोन जी के मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टर्म यूटिलिटी क्या एक्सप्लेन करवाता है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसका डेफिनेशन रट के कुछ मजा नहीं है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो कोई भी कमोडिटी आप अगर आप परचेस करवाते हो, कंज्यूम करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल अ मार्कर, अ डस्टर, अ बोर्ड, अ फोन, कोई भी कमोडिटी अगर आप कंज्यूम करवाते हो, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से आपको सेटिस्फेक्शन तो डेफिनेटली मिलेगा ही। बट क्या सेटिस्फेक्शन को ही यूटिलिटी बोलना है, तो यह सबसे रॉन्ग कंसेप्ट है। एग्जैक्ट यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका सेटिस्फेक्शन का क्या पावर था एज वेल एज क्या कैपेसिटी थी उस कमोडिटी में। अगर कोई भी कमोडिटी आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो उस पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन में आपका कैपेसिटी क्या है, वो पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन का उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब मेरा 100% सेटिस्फेक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यूटिलिटी एक मेजरमेंट है जो मेजर करेगा आपके सेटिस्फेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल आप आपके परसेंटेज मेजर करते हो 80%, 90%। ओके, तो क्या मतलब आपका 80% पढ़ाई हो चुका है? नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग का कैपेसिटी 80% है एक पर्टिकुलर सिलेबस में, ये उसका बोलना होता है। विद द सेम सेंस यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। तो आपके वॉन्ट्स को कोई भी कमोडिटी अगर सेटिस्फाई कर रही है, तो वो पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन का कैपेसिटी क्या था उस कमोडिटी में, उसे आपके लिए आपका यूटिलिटी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मार्कर एज अ कमोडिटी मैंने कंज्यूम किया है, तो इस मार्कर का कोई तो भी ह्यूमन वॉन्ट्स सेटिस्फाई करना काम ही है। बट एज अ गौरव कुलकर्णी मुझे इसमें से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, वो सेटिस्फेक्शन का कैपेसिटी पावर, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन मेजर करने का पावर है एज वेल एज कैपेसिटी है। ओके, तो यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी एज वेल एज पावर ऑफ एनी कमोडिटी का सेटिस्फाइंग पावर कितना है ये बोलने के लिए। हमेशा ध्यान में रखो, यूटिलिटी ऑलवेज मेजर कार्डिनली, ऑलवेज मेजर कार्डिनली, उसको कार्डिनली मेजर करते हैं, दैट इज इन नंबर्स। उसको हमेशा नंबर्स में ही गिनना है, ऑर्डिनरी सेंस में यूटिलिटी नहीं गिनते हैं, उसे हमेशा कार्डिनल मेजरमेंट होता है, ऑर्डिनल नहीं, दैट इज इन नंबर्स। तो इसका मेजरमेंट हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन होता है। तो हम उसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे इजी वाला कॉन्सेप्ट है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो क्या बनते हैं इसके फीचर, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव मीन्स हर एक सब्जेक्ट से वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अ मार्कर इज अ सेम फॉर एवरी कंज्यूमर, बट पर्सन टू पर्सन इसका कैपेसिटी अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी टू सेटिस्फाई मी इज डिफरेंट एज वेल एज फॉर मिस्टर ए इज डिफरेंट। ओके, तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मतलब जब भी यूटिलिटी कोई पर्सन को सेटिस्फाई करेगा, वो पर्सन टू पर्सन वैरी होता है कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन, कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन, सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं। तो कोई भी कमोडिटी अगर आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो उस कमोडिटी ने कुछ तो भी कैपेसिटी डिलीवर की है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी होती है। तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मींस वो पर्सन टू पर्सन वैरी होती है। फॉर द सेम कमोडिटी देयर माइट बी अ डिफरेंट यूटिलिटी। ओके, यूट्यूब का हर एक पर्सन को अलग अलग यूटिलिटी होता है, मार्कर का हर एक पर्सन को अलग अलग यूटिलिटी हो सकता है। ओके, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जैसे वक्त बदलता है एज वेल एज
टाइम बदलता है, आपकी यूटिलिटी बदल जाती है। हाँ, वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं। ओके, तो यूटिलिटी से रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे कोई गांव में जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, मोबाइल फोन इतने फैमिलियर नहीं है लोगों के साथ, वहां पे आज का ट्रेंडिंग जो चल रहा है यूट्यूब पे सीखना एज वेल एज ऑनलाइन स्टडीज, ये सारी चीजें उस प्लेस पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम कैसे वैरी होती है, उसके दो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेलास एंड रेनकोट आर यूजुअली हम कब यूज करते हैं, रेनी सीजन में। तो रेन में अम्ब्रेला एज वेल एज आपको रेनकोट्स का बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। बट टाइम चेंजेस, जैसे रेनी सीजन खत्म हो जाता है, समर में आप रेनकोट्स नहीं पहनोगे। तो यूटिलिटी का रिलेटिव कंसेप्ट, कोई भी कमोडिटी में आपको जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है उसका पावर रिलेटिव होता है, उसका यूटिलिटी कम ज्यादा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन एज वेल एज कंजम्पशन। प्लेस टू प्लेस मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है लाइक कश्मीर, वहां पे एप्पल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो उस प्लेस में वो चीज का इतना ज्यादा यूटिलिटी नहीं होता है। बट वही प्लेस से अगर हमने अपनी प्लेस पे उसको लाया अहमदनगर में महाराष्ट्र में, तो वो एप्पल्स का ज्यादा यूटिलिटी हम ले सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यूटिलिटी चेंजेस विद द प्लेस, चेंजेस विद द टाइम, दैट्स व्हाई यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। उसके बाद यूटिलिटी कभी भी कोई भी तरह का इथिक्स एज वेल एज मॉरल एज वेल एज लीगल कंसिडरेशन नहीं रखती है। फॉर एग्जाम्पल अ नाइफ यूज फॉर कटिंग वेजिटेबल्स माइट बी अ वेपन ऑफ मर्डर फॉर सम टाइम्स। तो अगर मैंने मेरे नाइफ से सब्जी कट की है तो भी मुझे यूटिलिटी मिलेगा, एज वेल एज किसी का मर्डर किया है तो भी मुझे यूटिलिटी मिलेगा। हाँ, मुझे केस हो के शायद जेल भी जाना पड़े, बट यूटिलिटी 100% मिलेगा। ओके, तो यूटिलिटी नेवर कंसिडर इथिक्स क्या है, मॉरल क्या है, लीगल क्या है, कंजम्पशन का लीगैलिटी वो नहीं देखता है। ओके, यूटिलिटी के तीन मेजर कंसेप्ट है। यूटिलिटी आपके सेटिस्फैक्शन के साथ कंसिडर नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन के साथ यूटिलिटी नहीं मिक्स करना है। क्या कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। तो एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास से इंजेक्शन लेके आता हूं तो उसे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, यस मैं एकदम अच्छे से हेल्दी हो जाऊंगा, अगेन मैं रिकवर होके सारी चीजें रूटीन करवा पाऊंगा अगर मैं बीमार हूं, बट दैट पर्टिकुलर इंजेक्शन मुझे कोई फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देगा कि बहुत मजा आया, क्या आज मस्त जूस पिया, मजा आता है। बट इस संबंध की ऐसा कोई है जो बोलता है कि यस आज डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेके आया एकदम मजा आया, ऐसा कभी भी नहीं होना है। तो फॉर यूटिलिटी एंड प्लेजर बोथ आर डिफरेंट, मुझे जूस में प्लेजर भी मिलता है, यूटिलिटी भी मिलता है, बट डॉक्टर के इंजेक्शन में यूटिलिटी मिलेगा, प्लेजर मिलना पॉसिबल नहीं है, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस ऐसा मजा नहीं आएगा। ओके, कोई आनंदी नहीं होता है ना यार, क्यों होगा। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट, कोई भी चीज का आपको यूजफुलनेस नहीं है, मतलब यूज नहीं है, एज वेल एज बेनिफिट्स नहीं है। क्या होते हैं बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मोकिंग करवाता हूँ, हाँ डेफिनेटली नहीं करता हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मोक करता हूँ तो मेरे बेनिफिट नहीं है हेल्थ वाइज। यस, मैंने स्मोक कर लिया तो मुझे प्रोटीन मिल गए, कार्ब्स मिल गए, ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, मैं अगर पर्टिकुलर कोई भी मेडिसिन लेता हूँ उसमें अगर अल्कोहल कंटेंट है तो मुझे शायद यूजफुलनेस है, बट स्मोकिंग इज लाइक हार्मफुल टू मी। अगर वो चीज में मुझे यूजफुलनेस नहीं है फिर भी यूटिलिटी मिलेगा, हाँ एक कस लगा दिया तो अपने को यूटिलिटी मिल जाएगा, तो शायद वो कंसेप्ट होता है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। कोई कमोडिटीज का यूजफुलनेस होता है, कोई चीजों का यूजफुलनेस नहीं होता है, बट यूटिलिटी 100% होता ही है। तो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन बोथ आर डिफरेंट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं मेरे पढ़ाई के साथ अच्छा पेपर लिखता हूं और शायद मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन से 2% कम आते हैं, तो एट दैट टाइम मेरा
हैप्पीनेस नहीं है एज वेल एज मैं उतना खुश नहीं हूँ, ओके उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, मैंने इतना पूरा साल पढ़ाई करके तो मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं है। बट क्या उसका ये मीनिंग है कि मेरे उस पढ़ाई का, मेरे उस रिजल्ट का, मेरे उस एग्जाम का कुछ यूटिलिटी नहीं बनता है? तो ऐसा नहीं है, हर एक रिजल्ट का यूटिलिटी बनता है। हाँ माइंड उसके परसेंटेज के हिसाब से वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, ओके तो सेटिस्फेक्शन, प्लेजर एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी। तो हमेशा ध्यान में रखो कि यूटिलिटी वो कंसेप्ट है जो सिर्फ आपका कैपेसिटी एज वेल एज मेजरमेंट है, आप कितना सेटिस्फेक्शन मिला पाए हो, और वो हमेशा गिनना कैसे है, नंबर्स में गिनना है, ओके उसके बाद एक आता है आज के डेट में आपको पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी आप एक सिंगल पर्सन के लिए, एक सिंगल पर्पज के लिए नहीं यूज कर पाते। तो यूटिलिटी इज मल्टीपर्सन एज वेल एज मल्टीपर्पज। आपका पर्टिकुलर मोबाइल फोन भी आज की डेट में है, इंटरनेट होता है घर पे, वाईफाई होता है, तो एक सिंगल यूज नहीं है ना उसका, उसके साथ आपको पीसी भी चलाना है, आपका मोबाइल भी चलाना है, आपको सीरीज भी देखना है, घर वालों को कुछ ऑफिस का काम भी करना होता है। तो सिंगल वाईफाई उसका मल्टीपर्पज यूज भी है, और एक सिंगल पर्सन को नहीं पूरे फैमिली को यूज है, तो इट इज ए मल्टीपर्सन एंड मल्टीपर्पज। ओके सबसे बेसिक चीज हम क्यों सीख रहे हैं यूटिलिटी, तो जब भी आपको यूटिलिटी मिलता है तभी आप डिमांड करोगे, क्या करोगे डिमांड। तो यूटिलिटी इज अ बेस, यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ अ डिमांड, कोई भी डिमांड विदाउट यूटिलिटी नहीं होती है। अगर मैं मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत शेयर करता हूँ, लोगों को प्रमोट करता हूँ, फिर भी अगर उसमें कुछ डिमांड नहीं है, उसका रीजन शायद ये है कि वहां पे यूटिलिटी ही नहीं होगी, तो उसका डिमांड लोग 100% नहीं करेंगे। तो यूटिलिटी हमेशा सीखनी है उसी कारण कि लोगों की डिमांड जानना है, तो डिमांड तभी करेंगे जब लोगों को यूटिलिटी होता है। मेरे वीडियोस कोई साइंस वाला बंदा क्यों देखेगा, वो डिमांड नहीं करेगा मेरे वीडियोस, क्यों, क्योंकि वो उनको यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो आप बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखोगे, एज आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स में यूटिलिटी नहीं, तो इफ देयर इज नो यूटिलिटी देयर विल बी नो डिमांड इन द मार्केट। तो डिमांड सीखने से पहले हमको यूटिलिटी सीखना पड़ेगा, ओके आप जब भी डिमांड करते हो, आज की डेट में लॉकडाउन में आप आराम से घर पे हो, तो वॉचिंग 10 और 12 मिनट्स का वीडियो इज इवन बोरिंग फॉर यू। मुझे कुछ रिव्यूज भी थे व्हाट्सएप पे, मुझे किसी ने मैसेज भी किया था कि सर यार बोर हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही। तो पढ़ाई नहीं हो रही है उसका रीजन है कि आप सच में लॉकडाउन में बोर हो चुकी हो, डन आपका उतना इंटेंसिटी नहीं बढ़ता है कि यस मेरे पास लेक्चर है 4-6 मिनट का देख लूं, 2-4 मिनट में लिख लूं, तो मेरा हर रोज का पढ़ाई अगर 10 मिनट का भी हो जाए तो मेरा डे बाय डे पढ़ाई क्यूमुलेट हो जाए। बट आज की डेट में अगर इंटेंसिटी ही नहीं है, क्या करना है पढ़ के, कॉलेज तो स्टार्ट नहीं है, एग्जाम देनी नहीं है, हो भी गए एग्जाम तो ऑनलाइन हो जाएंगे, हम तो कॉपी कर लेंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपका इंटेंसिटी कम हो चुका है, तो अगर इंटेंसिटी कम है तो यूटिलिटी भी कम हो जाएगी, और यूटिलिटी ही नहीं है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन यही सारे वीडियोस आपके एग्जाम पीरियड में आपको 2-4 मिनट का एक वीडियो समझ में आए और ये आप समझ लो और उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, तो आपका एक चैप्टर फटाफट 10-15 मिनट में उड़ सकता है। तो अगर इंटेंसिटी है तो ही यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी डिमांड के लिए बेस है और इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स पे डिपेंड है, क्या है डिपेंड है। तो जितना आपका इंटेंसिटी उतना आपका यूटिलिटी, अगर यूटिलिटी है तो ही डिमांड है, उसको हमेशा काहे नहीं मेजर करो, एग्जैक्ट नहीं मेजर कर पाओगे, लेकिन उसको आपको अल्टीमेटली मेजर करना है कि 10-15-20-25 ऐसे नंबर्स में उसको देना है कि यस मुझे कितना यूटिलिटी मिला है। एज यूटिलिटी इज अ नंबर्स में, क्यों, तो वो कैपेसिटी है, कितने कैपेसिटी में आपको इस कमोडिटी ने सेटिस्फाई किया। उसी के साथ ये मल्टीपर्पज मल्टीपर्सन भी होती है, सब्जेक्टिव होती है, रिलेटिव होती है, और इथिक्स को नहीं कंसिडर करवाती है। तो होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। फॉर दैट अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो मेरे व्हाट्सएप लिंक पे आप मुझे कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हो, एज वेल एज आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है तो मुझे आप कॉल भी करवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद जय महाराष्ट्र।